सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 10th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 117। एक वृत्त खींचो जो दी हुई रेखा ए बी और दिए हुए वृत्त ओ को स्पर्श करें, जिसका अर्ध व्यास ए के समान है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक हमें दे रखी है ए बी रेखा, ए बी रेखा ले लेते हैं। ए और बी रेखा दी हुई है। एक हमें दे रखा है अर्ध व्यास, तो हम अर्ध व्यास भी ले लेते हैं। ये आपका अर्ध व्यास आ गया ए के समान। एक हमें दे रखा है वृत्त ओ, तो हम एक वृत्त ले लेते हैं ओ। ये हमने एक वृत्त ले लिया है, इसका नाम हम दे देते हैं ओ वृत्त। अभी क्या कह रहा है कि हमने ऐसा यहाँ परिधि बनाना है, इसको भी स्पर्श करेगा ओ वृत्त की परिधि को भी और ए रेखा को भी स्पर्श करेगा। हमने जो अर्धव्यास लिया हुआ है ए के बराबर, इतनी प्रकार खोल करके यहाँ से बी से भी चाप लगा देंगे इस तरह से, और ए पॉइंट से भी हम यहाँ पे ऐसे चाप लगा देंगे, और हम इसको ऊपर से मिला देते हैं इन चापों को जो हमने लगा रखी है। हमने यहां से इनको चापों को मिला देना है। इस तरह से हमने क्या करना है, एक हमारे पास अर्ध व्यास दिया हुआ है ए, इतना हमने अर्ध व्यास ले लेना है। मैं अलग से आपको बता रहा हूं, मैं यहीं पे भी इसको जोड़ सकता था, पर मैं आपको अलग से मेंशन करना चाहता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ये मैंने ले लिया है अर्ध व्यास ए, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसमें प्लस करना है अर्ध व्यास ओ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए ये मैंने ले लिया अर्ध व्यास ओ के बराबर, ये देखिए आधा हाथ आए। तो यहाँ से हमने यहाँ पे निशान लगा देना है इस तरह से, और हम इसको मिला देंगे। इस तरह से अब ये आपका आ गया अर्ध व्यास ओ के बराबर। अब हमने क्या करना है, पूरी प्रकार खोलनी है ओ और ए के बराबर। ये आप देख सकते हैं ये हमने पूरी प्रकार खोल दी है, और हमने यहां से ओ से इस रेखा पे चाप लगा दी इस तरह से, और ये जो आपका पॉइंट आ गया ये आ गया आपका एफ। अब एफ और ओ को मिला देते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। अब आपके पास परिधि पे जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आपके पास आ रहा है, इसका नाम हम देते हैं ई। अब आपने क्या करना है, इस पे पॉइंट रखना है ओ, सॉरी आपका एफ पे, और ई जितनी प्रकार खोल दो यहां से, क्योंकि इतनी होगी इतना आपका ए अर्ध व्यास, ये आप देख सकते हैं। और हमने क्या करना है, यहां से हमने वृत्त लगा देना है। ये जो वृत्त आपका आएगा ए बी रेखा को भी स्पर्श करेगा और आपका ई पॉइंट को भी स्पर्श करेगा। यहां से आप देख सकते हैं, यहां से मैं लगा देता हूं, ये देखिए, ये देखो ये ई पॉइंट को स्पर्श करा है और ए बी रेखा को भी स्पर्श करा है। ये उत्तर आपका है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा बन के तैयार हो गया है, और इस प्रश्न का नाम नंबर है 117 प्रश्न है ये। ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। इस रेखा का भी हम नाम दे सकते हैं सी और डी, ये आपका बन के तैयार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 118। एक वृत्त खींचो जो दिए हुए बिंदु क्यू तथा वृत्त पर आर बिंदु को स्पर्श करें और घेरें। अब क्या है हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, इसमें हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ है। पहले एक वृत्त ले लेता हूं,
ये आपके पास एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त का जो नाम है वो है ओ। ये क्या कह रहा है कि इसकी परिधि पे एक बिंदु दिया हुआ है आर और एक बाहर बिंदु दिया हुआ है क्यू। तो यहां पे हम एक बिंदु ले लेते हैं क्यू, ठीक है। जो हमें दी होता है सबसे पहले हमने वही चीज लेनी होती है। हमने क्या करना है, आर और क्यू को आपस में मिला देना है। इस तरह से हम इसको मिला देंगे आपस में, और जो ये रेखा आ रही है इसका हम करेंगे समद्विभाजन। यहां से इसको हम समान दो भागों में बांट देंगे रेखा को। और आपको पता है हम समान दो भागों में कैसे रेखा को बांटते हैं, आधे से ज्यादा प्रकार खोलते हैं और चाप लगा देते हैं इस तरह से। वो हमने क्यू पॉइंट पर प्रकार रखनी है और हमने इस चाप को आपस में काट देना है इस तरह से। आप देख सकते हैं अब हमें इसको मिला देना है इस रेखा को। जो ये चापे आपस में आ रही है यहाँ पे एक रेखा आएगी, ये देखिए इन चापों को हम आपस में मिला देते हैं। और जहां पे ये कट रहा है ये आपका पॉइंट आ रहा, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं डी। अब हमने क्या करना है, जो आपके पास आर और ओ पॉइंट है इसको हम मिला देते हैं इस तरह से। इसको मिला देंगे और हम इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। और जो आपकी ये समद्विभाजन वाली रेखा है इस रेखा को भी हम जो है वो आगे बढ़ा देंगे। और जहां पे ये दोनों रेखाएं आपस में कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया P। अब आपने क्या करना है, P पॉइंट पर प्रकार रखना है और Q जितनी प्रकार खोल दो चाहे R जितनी प्रकार खोल के हमने यहाँ पे सर्कल लगाना है। और ये जो आपका सर्कल बनेगा ये आपको दोनों वृत्तों को दोनों बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ लगेगा इस तरह से। ये आप देख सकते हैं ये आपका सर्कल बनके तैयार हो गया है हमारा इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये जो आपका प्रश्न है ये है प्रश्न नंबर 118, ये आपका बनके तैयार हो गया है इस तरह से, ये आपका बन जाएगा। इसी तरह से आपने भी इसको आसानी से बना